हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अर्थिया। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीवर सायरोसिस के बारे में। देखिए, लीवर के अगर बेसिकली डिजीजेस के बारे में बात करें तो बहुत सारी डिजीजेस है, यानी कि हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू एसाइटिस, पेट में पानी भरने के कारण लीवर सायरोसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, लीवर फेलियर हो गया, तो और भी कई तरह के एक्सेट्रा डिजीजेज होते हैं। तो बट आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लीवर सायरोसिस के बारे में रहेगा। तो लीवर के सायरोसिस के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा लीवर के बारे में जानना जरूरी है कि लीवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, तो इसका हमारी बॉडी में रोल कैसे प्ले करता है, इसके फंक्शंस क्या है, तो उस चीज़ के बारे में आपको जनरल में इंफॉर्मेशन बताऊंगी और वो बहुत अच्छे डायग्राम के साथ ही आपको बताऊंगी। देखिए, डायग्राम से क्लियर होने से हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा लर्निंग पावर हमारी अच्छी बढ़ जाती है। तो जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं उनको तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें क्लियर ही होगी, तो जो नए यूजर्स हैं, नए पर्सन हैं, तो उनके लिए डायग्राम से ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। देखिए, लीवर जो एक ऑर्गन है, इसको हम मीटी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो जनरली हमारे बॉडी में वेट होता है वो 1.5 kg होता है। तो इस चीज़ का जो लीवर की बेसिकली जो पोजीशंस होती है, हमारी राइट साइड ऑन द बेली होती है और ये डायफ्राम के नीचे जाके छिपा होता है, तो जो रिब केज है उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ह्यूमन बॉडी हमारी जनरली होती है, ये देखिए अब हमारे सामने ये डायग्राम्स है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो ये हमारी राइट साइड पे हमारा लीवर लोकेट कर रहा है, जिसको कि मैंने रेड कलर के साथ मार्क किया, दिस वन, ये हो गया हमारा लीवर। अब लीवर क्या है कि इसी के ऊपर ही रिब केज होती है, यानी कि डायफ्राम होता है, जो कि हमारे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है लीवर को। अब जनरली अगर हम बात करें कि लीवर को अगर हम फील करना चाहें अपना नॉर्मल पर्सन से, तो लीवर फील नहीं होता। तो हम लोग यहाँ तक उसको अब्डोमेन पे फील करेंगे या अपर साइड तक आते जाएंगे, वो जनरली फील नहीं होगा। तो लीवर सायरोसिस की कंडीशंस पे क्या होता है कि लीवर का साइज जनरली बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वो साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब हम उसको पैल्पेट करते हैं तो वो हमें जनरली फील होना शुरू हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद, 4 से 5 साल के बाद, जो लीवर का साइज है वो काफ़ी सिकुड़ना शुरू होता है, यानी कि श्रिंक होना शुरू होता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, क्यों, इसमें काफ़ी ज़्यादा सायरोसिस के कारण हमारे लीवर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और लीवर हमारा उस कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। अभी हम बात करें सायरोसिस ऑफ लीवर। सायरोसिस ऑफ लीवर को हम आयुर्वेदा में यकृतल युद्रा के नाम से भी जाना जाता है और हमारे जो बॉडी में 8 टाइप्स के उदर रोग होते हैं, तो उसमें हमारी एक टाइप आती है यकृतल युद्रा। तो यकृतल युद्रा की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे, उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसका बेसिकली रीजंस क्या है हमारी बॉडी में। देखिए, सायरोसिस ऑफ लीवर का अगर हम एलोपैथिक के अकॉर्डिंगली बात करें तो उसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट क्या रह जाता है, लास्ट ऑफ द एंड आपने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर बात करें तो इसका बहुत अच्छा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है, प्यूरिफिकेशन होती है बॉडी की, जिससे कि हम अपने लीवर के जैसे इंपॉर्टेंट अंग को, यानी कि यकृत, इसको लीवर को यकृत भी बोलते हैं, तो उस अंग को हम अपनी बॉडी से बचा सकते हैं। तो देखिए, सायरोसिस ऑफ लीवर का होना क्यों, मतलब यानी कि इसमें फाइब्रोसिस होने शुरू होते हैं, फाइब्रोसिस में क्या होता है, हमारे लीवर में स्कार्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कुछ रगड़ से आने शुरू हो जाती है, जख्म से होने शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के, जिससे कि वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज रीजंस, इसके मे बी कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, शराब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, या कुछ टाइप्स की हेपेटाइटिस के वायरस के आने के कारण, यानी कि हेपेटाइटिस बी सी, हेपेटाइटिस 5 टाइप्स का होता है, ए बी सी डी एंड ई, बट जनरली जो मोस्टली हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन पाई जाती है वो बी एंड सी होती है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी के वायरस के कारण भी हमारा लीवर खराब हो सकता है, कुछ हेरिडिटरी रीजंस रहते हैं या जन्मजात से कईयों की लीवर की प्रॉब्लम्स चलती रहती है, उस कंडीशंस पे भी हमें सायरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, या कुछ टाइप ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं हमारे लीवर्स में, उस कंडीशंस पे भी हमारा लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस की अगर हम बात करें फाइब्रोसिस होने का रीजंस, तो अननोन केसेस होते हैं कि कुछ रीजंस पे पता ही नहीं चल पाता कि हमारी बॉडी में हुआ क्यों। तो ये हो गए हमारे जनरली कॉजेज। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई लीवर सायरोसिस हो क्यों रहा है। देखिए, लीवर जो हमारा एक ऑर्गन है, उसी के पास ही हमारी लेफ्ट साइड पे स्प्लीन पड़ी हुई है, दिस वन, ये बोलते हैं स्प्लीन, और यहाँ से हमारे लीवर से पोर्टल वेन निकलती है। पोर्टल वेन जो निकलती है वो हमारे अम्ब्लाइकस तक भी जाती है, यानी कि नाभि तक जाती है। और ये करती क्या है पोर्टल वेन क्या रहती है, हमारे इंटेस्टाइन्स में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, कोई फूड्स ले रहे हैं, कोई विटामिन्स, जो भी हमने फूड के थ्रू इंटेक किया, तो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लीवर तक उसको पैसेज रूट से उसको फ्लो करते हैं, यानी कि अपवर्ड पोजीशंस पे।
मैं आपको बहुत ही ये थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये हमारा लीवर हो गया, ये हो गया स्प्लीन, यहाँ से हमारी पोर्टल वेन जा रही है और ये पोर्टल वेन कहाँ तक जा रही है, अम्बिलिकस तक यानी कि नाभि तक। तो जितनी इंटेंस टाइम से हमारा जो ब्लड फ्लो जाता है ऊपर की तरफ लीवर की तरफ, तो पोर्टल वेन लीवर सरोसिस की कंडीशंस पे क्या रहते हैं कि जो ये इसमें ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो वहीं पे ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, तो वो बैक फ्लो करेगा। तो बैक फ्लो होने के कारण हमारी बॉडी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपवर्ड्स में नहीं जा पा रहे, तो उस कंडीशंस पे हमारा जो यहाँ का प्रेशर है वो काफ़ी हायर स्टेज पे पहुँच जाएगा। तो उस हायर स्टेज में पहुँचने के कारण जहाँ जहाँ से इसको प्रॉपर सारी वेन्स जा रही है, एक अम्बिलिकस तक जा रही है, रेक्टम तक जा रही है, रेक्टम में जाने जो कि आपका टॉयलेट का पैसेज है, अगर रेक्टम तक बैक फ्लो करी तो आपको पाइल्स ऐसी कंडीशंस हो सकती है और यहाँ तक कि आपको कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अम्बिलिकस में जाने से वहाँ से अम्बिलिकस के नाभि के आसपास आपको कुछ नसें सी निकलनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से काफ़ी कलर्स भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मे बी कुछ मेजर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो साइटिस तक भी हो सकता है। और कहाँ तक जाती है, स्प्लीन तक जाती है। स्प्लीन तक जाने से क्या होता है कि स्प्लीन का साइज भी इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, क्यों, वहाँ का प्रेशर काफ़ी बढ़ गया, तो जिसको हम क्या बोलते हैं कंजेस्टिव स्प्लिनोमिगैली के नाम से हम उसको डिफाइन करते हैं। और ये कहाँ जाती है, हमारे यहाँ पे फूड पाइप होती है जो कि हमारा जो फूड का पैसेज रूट है जो स्टमक तक भिजवाता है, तो ये फूड पाइप तक भी जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसेस। तो उस कंडीशंस में भी हमारी यहाँ की जो नसें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फूलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस पे पेशेंट्स को मुंह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और भी कई तरह की ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की ये पोजीशंस होनी शुरू हो गई कि हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा, वैसे जो ब्लड फ्लो होता है वो लीवर से होकर अपर बॉडी तक जाके वो पूरा बॉडी में इस तरह से सर्कुलेट करता है, अगर किसी भी सर्कुलेशन में रूट में कोई पैसेज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी बॉडी के कई चैनल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में हमारे जो एल्ब्यूमिन है वो काफ़ी ज़्यादा लो होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एल्ब्यूमिन क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने प्रोटीन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर लीवर तक सप्लाई करते हैं, तो जब वो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा फॉल होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे लीवर की कंडीशंस वर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड, बिलीरुबिन हमारा काफ़ी हायर स्टेज में पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि जॉन्डिस, पीलिया, ये एपेटाइजर, भूख की कमी, ये सब चीज़ें सिम्टम्स आनी शुरू हो जाएंगे। तो और इसके साथ साथ फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, साइरोसिस ऑफ लीवर, तो ये सब कंडीशंस में हमारा लीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि पोर्टल वेन में जब ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाई तो उस कंडीशंस में हम अपने टर्म्स को क्या बोलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी का एग्जैक्ट फॉर्म में ना होने की बजाय बैक फ्लो होने के कारण बॉडी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हायर स्टेज में पहुंचना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो लीवर है वो सड़ना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशंस में हम इसे लीवर साइरोसिस बोलते हैं। तो देखिए, लीवर साइरोसिस की कंडीशंस होगी, अब हमें इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, एल्ब्यूमिन काफ़ी फॉल होना शुरू हो गया है, हमारा बिलीरुबिन हायर स्टेज पे चला गया, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें लीवर फंक्शन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वे से वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कि मैंने आपको बताया एल्ब्यूमिन के फंक्शंस, लीवर के फंक्शन। इसके बाद हमारा आ जाता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी हम लीवर की पोजीशन, लीवर का वेट, लीवर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी हम अपना चेक कर सकते हैं। और अगर हमें उसमें कुछ साइन सिम्टम्स मिलते हैं कि मे बी ये साइरोसिस में जा रहा है, तो हमें उस कंडीशंस में पेशेंट का फर्दर इवैल्यूएशन भी करवानी चाहिए, यानी कि सीटी स्कैन करवाना चाहिए एब्डोमेन का, तो जिसमें कि हम लीवर, स्प्लीन की ये सब चीज़ों पोजीशंस को हम अच्छी तरह से चेक कर पाएँ। तो इस तरह की कंडीशंस वगैरह वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, लीवर सिरोसिस की जो कंडीशंस है ये बहुत ज़्यादा माइल्ड कंडीशंस नहीं है, इस चीज़ को हमें इतना इग्नोर में नहीं लेकर जाना चाहिए। तो देखिए, लीवर सिरोसिस जो है ऑल ओवर इंडिया में 12th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इसको माना जाता है, तो लीवर सिरोसिस के कारण पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। अब लीवर सिरोसिस में हमें बेसिकली पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कॉजेज मैंने आपको बताया। अब सिम्टम्स में जनरली पेशेंट्स का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कुछ स्पाइडल लाइक वेब्स उसके पेट के आसपास राउंड में, जैसे कि मैंने बताया कि अम्बिलिकस तक उसकी पोर्टल वेन जाती है, तो वहाँ पे जब बैक फ्लो करेगी, जहाँ जहाँ उसका बैक फ्लो होता है
तो वहाँ वहाँ अपनी चेंजेस लाने शुरू कर देगी और अम्बिलिकस के आसपास जितनी भी हमारी खून की नसें हैं उन सब में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी लाइक स्पाइडर वेब की तरह। और उसी के साथ साथ हमारे पेट में पानी भी भरना शुरू हो जाएगा जैसे कि हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी में जैसे कि ये सब चीज़ें लीवर सिरोसिस होगी तो उसके कारण हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया कि इसोफेशियल वेरिसेस ब्लीडिंग यानी कि हमारे फूड पाइप में भी वो बैक फ्लो जाना शुरू हो जाता है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण, तो हमारे मुंह से भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शंस भी होनी शुरू हो जाती है, हमारे जितने भी रेड ब्लड सेल्स है वाइट ब्लड सेल्स है वो प्रॉपर वे से फंक्शंस नहीं कर पाते, क्यों इसका जो लिंक्ड है वो स्प्लीन के साथ भी लिंक्ड है क्यों स्प्लीन में भी ये बैक फ्लो करती है। तो स्प्लीन का मेजर जो बेसिकली काम जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स को रिगार्ड करते हैं और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर स्प्लीन में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी में ग्रेजुअली जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाता है यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी की भी प्रॉब्लम आ जाती है यानी कि हमारे स्टमक से रिलेटेड जो भी लीवर में प्रॉब्लम्स है उस सब के कारण ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ तक कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक भी कंडीशंस आ जाती है अगर हम उसको प्राइम स्टेज में अगर उसको कवरअप ना करें तो हमारा यही कंडीशंस कैंसर्स तक भी कन्वर्ट हो जाता है। बट देखिए अगर जनरली अगर हम बात करें तो 60-70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 25 इयर्स तक भी पहुंच जाते हैं बट उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारे अगर लाइफ में अगर हम एग्जांपल लेके चले तो अमिताभ बच्चन की, देखिए अमिताभ बच्चन सिर्फ एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट्स है तो ऑलमोस्ट उनको काफ़ी ईयर्स हो गए, तो 30 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए, तो बट अभी भी उनकी प्रेजेंट बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो कंडीशंस यही है कि हम अगर अपनी प्रॉपर केयर रखें प्रॉपर सारा सब कुछ सिस्टम अपना सिस्टमेटिकली करें तो किसी भी चीज़ को हम इस तरह की प्रॉब्लम को भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेकर जा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें लीवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। देखिए लीवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट में अगर आप किसी भी तरह से हेपेटाइटिस के वायरस से अगर आप ग्रस्त हो तो आपको उस वायरस को ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप एल्कोहलिक हो तो आपको एल्कोहल को कंज्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कम क्या बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और भी कई ऐसे रीजंस है अगर आपको पता है कि किस वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें अपना लाइफस्टाइल अपना हेल्दी सब चीज़ें अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर मेडिसिंस के ऊपर बात लेके जाएं तो मेडिसिंस में आयुर्वेदा में हम इसे पिपली रसायन के नाम से जानते हैं, तो पिपली रसायन का हमें सेवन करना चाहिए, अव्यय का सेवन करना चाहिए और शतपुंज घृत आदि का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे बेसिक्स। अगर आपको भी किसी भी तरह की अगर लीवर सिरोसिस से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी इस मुश्किल का समाधान पा सकते हैं। देखिए मेरा जो चैनल है डॉक्टर अतिया, अगर आप आगे भी किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा। थैंक यू।